नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ और मैं हूं आपके साथ चिराग श्रीधवाई। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी बसंत। जी हां, आज वर्ल्ड कप का मैच होना है, 2023 की शुरुआत हो गई है और एक के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार रोमांचक मैच होते जा रहे हैं। आज के अगर मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम इस वर्ल्ड कप में अपना ये दूसरा मैच खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, तो वही साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन के बड़े अंतर से हराया था। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच वनडे वर्ल्ड कप में अब तक 6 मैच हुए हैं, 3 बार ऑस्ट्रेलिया और 2 बार साउथ अफ्रीका को जीत मिली है, एक मैच टाई रहा है। ओवरऑल हेड टू हेड बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 108 वनडे खेले गए हैं, जिसमें 50 ऑस्ट्रेलिया और 55 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। तो चलिए अब क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज पॉसिबिलिटी रहने वाली है, क्या कुछ रिकॉर्ड रहे हैं, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो बसंत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरे तरीके से हारी थी, लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो एक विशाल स्कोर साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ खड़ा किया था। तो किस तरह से देख रहे हैं आज के इस मैच को दोनों टीमों के लिए? जैसे ऑस्ट्रेलिया को लेकर आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में भारत से 6 विकेट से हार गए थे, बड़ी माना जाता है 6 विकेट से जब इस तरीके से हार होती है किसी टीम की। तो ये साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंट नजर आ रही है राष्ट्रीय, क्योंकि देखिए 102 रनों से मैच का जीतना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 102 रनों से मैच जीता, उसके बाद आज कॉन्फिडेंस देखने को मिला। साउथ अफ्रीका भले ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब की बार सामने श्रीलंका नहीं, अब की बार सामने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को राष्ट्रीय जाना भी जाता है कि बड़े से बड़े बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त करने के लिए, बड़े से बड़ी टीम को हराने के लिए जानी जाती है। आज देखने की बात होगी, काफी रोमांचक मुकाबला। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन टॉस हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है, आज का ये मैच काफी अहम है। आगे भी हम जानकारी बताएंगे कि उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया है कि बैटिंग का फैसला लिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस फिलहाल जीत लिया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मैच रोमांचक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 बार की चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला है। पिछला अभी इनका इनकी एक सीरीज चली थी जिसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की, बिल्कुल उस लिहाज से भी काफी अहम है। बिल्कुल, काफी अहम मुकाबला रहेगा राष्ट्रीय, क्योंकि देखिए दोनों टीमों का अपना दूसरा मुकाबला है। अब ऐसे में जीत दर्ज करना दोनों टीमों के लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय इससे पिछला मैच जो हुआ ऑस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ का सामना करना पड़ा, एक बड़ी जीत साउथ अफ्रीका ने दर्ज की श्रीलंका के खिलाफ। और ऐसे में जब सीरीज हुई थी इस वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं कहीं ना कहीं एक जीत का पिछली जीतों का फैक्टर भी रहता है राष्ट्रीय, कॉन्फिडेंट हाई रहता है, जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो उसके बाद उसका जो असर है वो मैदान पर भी देखने को मिलता है। और इकाना स्टेडियम में आज मैच हो रहा है राष्ट्रीय, इकाना स्टेडियम जो है वो स्लो पिच मानी जाती है, एक बहुत बड़ा चेज वहां पर नहीं होता है, बहुत बड़े रन स्कोर भी नहीं होते, ऐसा माना जाता है क्योंकि स्लो पिच है। और आज देखना होगा जो स्पिनर्स की भूमिका है, आज वो देखने को मिलेगी राष्ट्रीय। बिल्कुल, आज जो है स्पिनर्स की भूमिका ज्यादा रहेगी, देखिए क्योंकि जो पिच है वो स्लो है। अब ऐसे में देखने की बात होगी, एडम जेम्पा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर राष्ट्रीय काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के एंड से बॉलिंग करेंगे। अब देखने की बात होगी किस तरीके से साउथ अफ्रीका टैकल करती है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पिछले अपने मैच में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की, 400 के पार स्कोर लगा दिया जड़ दिया स्कोर बोर्ड पर, उसके बाद एक हाई कॉन्फिडेंस तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार जो केयरफुल रहने की बात इसलिए हो जाती है राष्ट्रीय, क्योंकि देखिए सामने ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को इतने हल्के में लिया नहीं जा सकता। अब देखने की बात होगी कि इस मैच में जिस मैदान को ज्यादा बड़े रन चेज करने के लिए माना नहीं जाता, उस पर किस तरीके से साउथ अफ्रीका परफॉर्म करते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी। बिल्कुल ठीक है बसंत, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, दीपक कंबोज जी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हालांकि उनका प्रेडिक्शन अभी हम देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं सही होते नजर आते हैं। तो दीपक, श्रीलंका को लेकर आपने पिछले बार प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सटीक रहा, आज के मैच को लेकर क्या कहेंगे? पैट कमिंस की टीम जो है वह जीत के इरादे से उतरेगी, क्योंकि वो मैच जीत नहीं पाई है पिछले मैच की तुलना में, आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए आप? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया आज अच्छा परफॉर्म करना चाहेगी और
आप देखिए कि जैसे साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आज प्लान रहेगा साउथ अफ्रीका का, वो भी काफी बड़ा प्लान रहेगा, और वो चाहेगी साउथ अफ्रीका की आज ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत प्रेशर में दिखाई दे जी रही है, बिल्कुल क्योंकि पिछला दीपक, मैच उन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम दीपक, स्कोर बनाया था। एक और रोकना चाहूंगा बीच में, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बॉलिंग का फैसला किया है राजश्री, बॉलिंग बिल्कुल का फैसला बिल्कुल किया। भाई, जी हाँ दीपक देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, इस फैसले को अच्छा, कितना सही मानते हैं आप? तो जैसे कि उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि स्कोर को चेस किया जाए और कम से कम स्कोर पर साउथ अफ्रीका को डिफेंड किया जाए, तो कहीं ना कहीं प्लान किया होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत बड़ी टीम मानी जाती है और चेस करने में बहुत बेहतर रहती है ये। तो अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका भी इस बार बड़े अच्छे लय में दिखाई दे रही है, उनके जितने भी प्लेयर हैं वो बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। और पिछले मैच में देखे हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, तो तीन तीन सेंचुरियां बैट्समैनों ने किया। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी रही है। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की हाँ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने वो बेहतर मैच नहीं खेला इंडिया के अगेंस्ट, और 200 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ढेर हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन दीपक अगर हम बात करें टीम की, तो जैसे बॉलिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, पिछले मैच में अगर हम देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो आपने देखा होगा कि बैट्समैन बहुत खास नहीं कर पाए थे, लेकिन बॉलरों ने अच्छा किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो किस तरह से इसको देख रहे हैं, और यहाँ पे स्पिनर्स का जादू चलता है ऐसा कहते हैं लखनऊ के स्टेडियम में, जंपा के अलावा इनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, आज जैसे स्पिन गेंदबाजी जो पिच है स्पिन के लिए बेहतर दिखाई दे रही है, और कम से कम स्कोर बनने का जो लग रहा है कि कम से कम स्कोर बनेगा, बट जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास इतना स्पिन गेंदबाजी है जो अच्छा नहीं है। हाँ अगर देखिए तो एक मेन बॉलर जो है स्पिनर वो जंपर है, और साथ में मैक्सवेल अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, बट जी देखा जाए तो साथ में अंग्रेज जो टीम है वो साउथ अफ्रीका है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को आज अच्छा गेंदबाजी करना होगा और कम से कम स्कोर पर डिफेंड करना होगा। अगर साउथ अफ्रीका आज के मैच में बड़ा स्कोर करती है तो साउथ अफ्रीका के पास गेंदबाजी भी अच्छी है, जी और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये सोचना आज प्लान रहेगा उनका कि हाँ कम से कम स्कोर पर साउथ अफ्रीका को डिफेंड किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हमने आईपीएल के समय भी देखा था, रबाडा है उनके पास, और जिनको जब वो आए ही नहीं थे तो पहले से ही रबाडा के चर्चे होने शुरू हो गए थे कि बेस्ट बॉलर हैं बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन आईपीएल में उनका जो प्रदर्शन रहा है उस लिहाज से कितना आप स्ट्रांग कैंडिडेट उन्हें मानते हो? और दूसरी तरफ ये भी है दीपक, आप साउथ अफ्रीका की टीम पर नजर डालिए, आप देखेंगे उसमें एक से बढ़कर एक प्लेयर है कहीं ना कहीं, तो जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और 428 रन का जो उन्होंने स्कोर खड़ा किया था वो वाकई काबिले तारीफ रहा है। जी हाँ, रबाडा की बात करें तो रबाडा बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने आईपीएल में भी, देखा जाए हाँ सब मैचेस में उन्होंने बड़ी जी जबरदस्त गेंदबाजी की है, और हाँ कहीं ना कहीं दबदबा जरूर रहेगा रबाडा का भी, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया पे उनका बहुत फोकस भी रहेगा जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो रबाडा भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहा होगा कि उनका जो टॉप ऑर्डर जी है ऑस्ट्रेलिया का वो ध्वस्त किया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंगेस्ट, और जैसे कि रबाडा आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इन्हीं पिचों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं रबाडा ने भी आज प्लान किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है उनको कहीं ना कहीं जी उनके विगत से निकाले जाए स्टार्टिंग के। बिल्कुल। और अगर देखिए बसंत, तो बिल्कुल अगर हम साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो बेहतरीन बिल्कुल है, कप्तान नहीं चल पा रहे अलग बात है, लेकिन बाकी प्लेयर्स काफी अच्छा खेल बिल्कुल रहे हैं, तो इसका भी एक फैक्टर रहेगा। दीपक भी शायद अग्री करेंगे इस चीज से कि उनकी जो ओपनिंग बल्लेबाजी है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल देखिए राजश्री, जो साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप है काफी स्ट्रोंग है। देखिए 400 से ज्यादा स्कोर बिल्कुल बोर्ड पर हाँ रन्स का जड़ देना ये साफ तौर पर दर्शाता है, लेकिन उससे पहले जी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि
आज जो है वो 10वां मैच खेला जा रहा है, एकाना हाँ स्टेडियम पे ये मैच खेला जा रहा है। राष्ट्रीय हाँ जी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे बिल्कुल रहे हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका का आज मैच है, काफी महत्वपूर्ण मैच। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। 2 बजे से ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया, पहले बॉलिंग चुनी है। दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच, काफी अहम मुकाबला रहेगा। दोनों ही टीमों का इस विश्व कप में दूसरा मुकाबला है, अब देखने की बात होगी। एक टीम हार चुकी है पहला मुकाबला, एक टीम जीत चुकी है, आज देखना होगा कौन जीतेगा। तो वहीं अब साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में श्रीलंका को एक बहुत बड़ी मात दी थी, 102 रन से मुकाबला अपने बिल्कुल नाम काफी किया बड़ा था डिफरेंस था। जी। हाँ तो वहीं दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 108 वनडे मैच खेले जा हाँ चुके हैं। राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है। तो हाँ वहीं अगर बात साउथ अफ्रीका की करें तो 55 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने मात दी है। तो बिल्कुल वहीं 3 मैच टाई रहे, एक मैच बेनतीजा रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन पलड़ा जो कहीं ना कहीं है वो साउथ अफ्रीका का हल्का सा भारी नजर आ रहा है, वरना हेड टू हेड बिल्कुल आज टक्कर देखने को मिलेगी। और अब प्लेइंग 11 के ग्राफिक्स जरा एक बार स्क्रीन पर दिखाइए कि प्लेइंग 11, संभावित प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकती है, हाँ वो भी एक बिल्कुल बार उसके बारे में हम बात दर्शकों को करेंगे बता बसंत, दें। और जी संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो भी हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो बैट्समैन है, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, साउथ अफ्रीका की बिल्कुल ओपनिंग लाइन काफी अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी हम हल्के में नहीं ले सकते बिल्कुल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग लाइन बेहतरीन रही है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाई भारत के खिलाफ, ऐसा हम कह सकते बिल्कुल हैं। 5 स्टार जी बल्लेबाज है उनके पास जो ओपनिंग करते हैं, तो देखिए उनका जो बिल्कुल प्रदर्शन नहीं हम देख पाए। ठीक है, आगे हम प्लेइंग 11 दिखाएंगे, उस दीपक से बात कर लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, साउथ अफ्रीका के बैटिंग लाइन की मैं बात कर रही थी, लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइन की, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी स्टार बल्लेबाज हैं, पांचों बल्लेबाज काफी अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। हालांकि वो अलग बात रही कि वो भारत के खिलाफ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आज वो डबल जोश के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम उतर सकती है? जी हाँ, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि आज का मैच अगर विन करते हैं ऑस्ट्रेलिया तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आगे के मैचों में बढ़ेगा, जी और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्लान किया होगा, और कहीं ना कहीं ओपनिंग जो टॉप ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अच्छा पार्टनरशिप। बट अगर कैप्टन की बात करें, मार्श अभी जैसे कि पिछले मैचों में देखे तो काफी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आज बेहतर करना पड़ेगा और अपनी टीम को अच्छा, जैसे स्कोर है आज साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आ रही है, पहले मैं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि कम से कम स्कोर पर इनको डिफेंड किया जाए। बिल्कुल चले दीपक, लगातार जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं दीपक, देखिए बैट्समैन है डेविड वॉर्नर है, स्टीव स्मिथ है, मिचेल मार्श है, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर आज निगाहें रहेंगी। तो वही गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी हावी रह सकती है, जिस तरीके से एडम जैम्पा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में बल्लेबाजों ने कुछ शानदार कारनामा नहीं दिखाया, लेकिन जैसा कि मेरी सहयोगी राजश्री ने अभी बताया कि जो बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने तो अपना काम बखूबी किया था। आज ग्लेन मैक्सवेल के साथ एडम जैम्पा लग रहे हैं कि हावी होते नजर आएंगे साउथ अफ्रीका पर, क्योंकि स्पिन के लिए जानी जाती है इकाना के पिच। दीपक देखिए, आज जैसे स्पिन गेंदबाजी के लिए पिच जानी जाती है, और आज ज्यादातर जो प्रभाव डालेंगे आई थिंक मैक्सवेल पे, मेरे को लग रहा है कि ज्यादा प्रभाव ठीक डाल है सकते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और वो हाँ आईपीएल में भी विकेट से निकालते हैं, तो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफी हाई रहेगा, और वो अपना गेंदबाजी अच्छा करना चाहेंगे। और हेजलवुड को देखें तो हाँ हेजलवुड भी आज अच्छी गेंदबाजी करेंगे अपनी तरफ से, तो बिल्कुल। और दीपक, प्लान अगर जो उसमें रहेगा मैं एक चीज ऐड ऑस्ट्रेलिया करना का कि चाहूंगी कि साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका ने को बिल्कुल सही समझा करना है इकाना के पिच को, और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर मौका दिया है, शमसी को भी वो खिला रहे हैं और केशव को भी वो खिला रहे हैं अपने साथ, तो शायद एक रणनीति के तहत ये टीम तैयार की गई है। और स्टोइनिस भी आज खेल रहे हैं, मार्क स्टोइनिस, तो उसे लेकर क्या कुछ जी कहेंगे हाँ। आप? देखिए मार्च तो ऑलराउंडर प्लेयर है और हाँ गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, साथ में बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और आईपीएल में भी देखा जाए तो स्टोनिस का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा बहुत रहा अच्छा है रहा था आईपीएल जी। के मैचेस में, तो हाँ कहीं ना कहीं वो पिचेस के बारे में उनको नॉलेज है, उन पिचेस के बारे में, तो इसीलिए उनको आज मैच में जगह मिली है। और
और साउथ अफ्रीका की बात करें तो जैसे केशव महाराजा पिछले मैच की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट भी अच्छे अच्छे विकेट जी निकाले जी हैं श्रीलंका के हाँ अगेंस्ट। तो आज स्पिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर डालेगी इन मैचेस बिल्कुल। में। और दीपक देखिए, हालांकि अगर हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें तो वो काफी दूर है, 5 नवंबर को ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है, लेकिन उससे पहले भी टीम को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का ये मैच इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रही है, जो शुरुआत उन्होंने की, एक दबदबा जरूर रहेगा जब वो इंडिया के साथ खेलेगी। जी हाँ, दबदबा जरूर रहेगा, बट अभी नेक्स्ट मैच जो है इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी है, तो जी पाकिस्तान से इंडिया टीम कहीं ना कहीं प्लान कर रही होगी। और पिछला मैच जी जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका से जीता है हाँ और अब काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो कहीं ना बिल्कुल कहीं प्लान जरूर रहेगा रोहित शर्मा का भी कि कितने स्कोर पर और टीम को डिफेंड करना है। तो कहीं ना कहीं इंडिया टीम जरूर मैच जीतना चाहेगी पाकिस्तान से, और अगर हाँ पाकिस्तान से मैच जीत जाती है बिल्कुल तो आई थिंक इंडिया फिर उसके बाद सभी जी मैच जीतना चाहेगी, और मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि जी उसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा इंडिया के बिल्कुल। पास कि वो मैच हारे। तो वो तो उनकी बिल्कुल नजरें भारत आज पाकिस्तान का रहेंगी साउथ मैच, मतलब अफ्रीका की आप टीम समझिए कि पर। घर पे खाना ना बने बिल्कुल लेकिन मैच देखना जरूरी है, तो बिल्कुल उस पर भी हम करेंगे। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसी बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। हालांकि चेस करने में एक्सपर्ट मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। अब साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये कोशिश होगी बसंत कि आज वो जीत के बिल्कुल साथ शुरुआत करे, दूसरा ही मैच है। तो अब कल के मैच की भी अगर हम बात कर ले तो बसंत आपने भी देखा होगा, कल का मैच जी भारत और के बीच अफगानिस्तान के बीच खेला गया और हाँ काफी अच्छा मैच रहा। रोहित शर्मा की जो लय थी बिल्कुल वाकई उसकी तारीफ करनी होगी। पहले मैच में निराश जरूर हुए होंगे प्रशंसक, लेकिन कल वो जी खुश रहे होंगे देखिए, शायद। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, शतकीय पारी खेली, कप्तानी पारी हाँ खेली है, बिल्कुल और इस तरीके की एक्सपेक्टेशन भी थी राजशिव से कि इस तरीके की पारी एक हाँ आए। जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो क्रिकेट प्रेमी, हालांकि हाँ थोड़ी बिल्कुल निराशा हुई, लेकिन हाँ देर आए दुरुस्त आए एक कहा जाता है, और साझेदारी जो है बिल्कुल वो ठीक रही, और साझेदारियां राष्ट्रीय मैच जिताती हैं। अब नजर रहेगी पाकिस्तान के मुकाबले पर। देखिए पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला रहेगा हाँ टीम इंडिया का काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और इंडिया और पाकिस्तान, देखिए हम टीम इंडिया हैं, बिल्कुल टीम इंडिया जीतेगी। अब हम ऐसी दुआ कर सकते हैं, उम्मीद लगा हाँ सकते हैं, उम्मीदों पर दुनिया बिल्कुल कायम है। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय, इंडिया और पाकिस्तान का मैच खुद में एक वर्ल्ड कप के बराबर होता है, बिल्कुल क्योंकि पूरी एकदम दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया के सामने जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है वो जग जाहिर है। देखिए क्योंकि सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है इंडिया पाकिस्तान की, देखने की बात होगी किस तरीके से कल का मैच रहेगा। हाँ दोनों ही टीमें एक दूसरे के लिए पूरे तरीके से तैयार, तैयार है पाकिस्तान एक बिल्कुल तरफ बिल्कुल बिल्कुल हाई जोश के साथ है, जिस तरीके से 350 से हाँ ज्यादा उन्होंने चेस किया, हाँ और हाँ उसके बाद टीम इंडिया की जो कल की बिल्कुल जीत रही है हाँ अफगानिस्तान से, एक वो भी फैक्टर रहेगा। दोनों टीमें कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन देखने की बात होगी मैदान पर किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा। आज की बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला, काफी अहम मुकाबला, इनकी भी राइवलरी कुछ ना कुछ इंडिया बिल्कुल वो पाकिस्तान के डिसाइड जैसे करेगी। ही हाँ देखी बिल्कुल जाती है देखे शुरू जा रहे से। हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी पूरी दुनिया देखती है राष्ट्रीय, लेकिन देखने की बात होगी आज अभी फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया है वो कितना सटीक साबित होता है। कप्तान पैट कमिंस खुद एक गेंदबाज है, लेकिन फास्टर है, स्पिन के लिए पिच जानी हाँ जाती है। हाँ जो मेन दारोमदार रहेगा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का वो रहेगा एडम जेम्पा पर, ग्लेन मैक्सवेल पर। देखना होगा कि ये दो स्पिनर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और अफ्रीकी बल्लेबाजों को कहां तक समेट पाते हैं, क्योंकि अफ्रीका में देखिए बिल्कुल जो क्विंटन हाँ डिकोग है ओपनिंग हाँ बैट्समैन है, हाँ काफी हाँ हाँ महत्वपूर्ण बिल्कुल बैट्समैन बिल्कुल है, बिल्कुल और हाँ काफी अच्छी पारी खेली है, तो वो शतकीय पारी हेजलवुड उन्होंने और खेली मिचेल थी। स्टॉक को भी हम कम नहीं आ सकते, पिछले परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो भी अच्छा ठीक है कर सकते हैं आज देखिए, उनकी बिल्कुल तरफ से। स्टोक्स हाँ एक ऑलराउंडर है राष्ट्रीय, जो कि गेंदबाजी भी कर सकते हैं और समय पर बल्लेबाजी कर पूरा मुकाबला भी पार लगा देते हैं। 2019 वर्ल्ड कप का मैं जिक्र करूं, श्रीलंका के खिलाफ मैच था राष्ट्रीय, अकेले स्टोक्स ने पूरे मैच को पार लगा दिया था, हाँ 300 के आसपास का वो टारगेट जब चेज हाँ किया था, तो उस समय स्टोक्स पर सभी की नजरें थी, उसके बाद जो है वो करियर बनता चला गया, आज खेल रहे। क्योंकि वर्ल्ड कप में बिल्कुल देखिए कोई ऐसे ही उठा के किसी को नहीं ले बिल्कुल। जो
आता एक है। कोई ना कोई प्लेयर तुरुप बिल्कुल का इक्का निकल ही जाता है जी बसंत। संभावनाओं का खेल है क्रिकेट, हम हर बार बिल्कुल कहते हैं। तो वैसे ही अगर हम मैच को हम क्योंकि रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कहते हुए नजर आए थे फोकस वर्ल्ड कप पर है, तो बिल्कुल हम भी अगर देखें तो ब्लू जर्सी होनी चाहिए। अब कल ये भी खबर है कि कल पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया मैच खेलेगी तो जी शायद भगवा कलर की जर्सी में नजर आएगी, तो ये काफी अहम हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, मैं देखना जब 5 बार की वर्ल्ड कप रही है ऑस्ट्रेलिया, आज वो बिल्कुल मैदान पर उतर रही है। साउथ अफ्रीका जिसने 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा जी किया, तो ये मैच फैंस के लिए बहुत अहम है क्योंकि उनको रोमांच चाहिए और रोमांच जरूर आज के इस मैच में बिल्कुल मिलेगा कहीं ना कहीं। और बिल्कुल कल के मैच का हम जिक्र कर रहे थे, कल के मैच में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से भी मैच देखते हैं, तो जैसे नवीन उल हक और विराट कोहली का जो एक कंट्रोवर्सी जब हुआ था जिसमें भारतीय प्लेयर भी जी इन्वॉल्व थे, तो कल वो खूबसूरत तस्वीर सामने आई कि आपस में वो गले मिलते हुए नजर आए। बिल्कुल फैंस तो ये सोच रहे थे कि शायद आज नवीन उल कुछ हक वर्सेस हाँ विराट बिल्कुल कोहली का मैच है, वो भारत अफगानिस्तान का मैच नहीं बल्कि नवीन उल हक और विराट कोहली विराट कोहली वर्सेस के है, बीच लेकिन है। वो बिल्कुल अपोजिट वहां बिल्कुल पर हुआ। मुझे लगता है खेल भावना यही है। बिल्कुल देखिए एक हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम से भी हाँ टर्म है कि स्पोर्ट्समैन बिल्कुल स्पिरिट जो है वो हाँ क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो केवल क्रिकेट खेलिए, एक दूसरे के साथ जो है पर्सनल मत कीजिए बिल्कुल। किसी और चीज को। वाकई लेकिन वो फैंस के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज बिल्कुल था। हाँ फैंस के लिए बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ और थी राश्री की, हाँ वही मैंने हमें कहा कि कुछ नवीन उलहक और वर्सेस ये रोमांचक विराट हमें चल देखने रहा को था, मिलेगा लेकिन वो स्टेडियम पे। थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है बसंत, हाँ थोड़ा समय कम है दीपक जी के हाँ पास, मैं बस लास्ट में थोड़ा ही वक्त है। दीपक जी, प्रिडिक्शन क्या है आपका आज के मैच को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, प्रेडिक्शन तो करना चाहूंगा आज के मैच में भी बिल्कुल मैं कि साउथ अफ्रीका, आज साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहने वाला है और साउथ अफ्रीका आज का मैच जीतेगा। और जैसे पिछले मैच में मैंने प्रेडिक्शन किया था, कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्शन मेरा वही जा रहा था, बिल्कुल, पता है श्रीलंका को लेकर श्रीलंका आपने कहा था। कहीं ना यहाँ कहीं जी उन्होंने मैच पाकिस्तान की झोली में डाला। मैंने जी हाँ, स्कोर भी मैंने बताया था कि 300 से ऊपर जी जाएगा और स्कोर भी कितना 300 से स्कोर ऊपर प्रिडिक्ट गया, कर क्योंकि रहे हैं दीपक? वहां 240, श्रीलंकन प्लेयर्स 230, 250 ने के आसपास? गेंदबाज, नहीं मैं 250 से ऊपर रन देखना अच्छा चाहता हूँ आज के मैच में, लगभग सही, जाएगा 280 और 290 के आसपास स्कोर जाएगा आज के मैच ठीक का। है चलिए बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया दीपक जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो साउथ अफ्रीका मैच जीत सकती है, 250 के प्लस रन का बिल्कुल एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज का ये मैच रोमांचक रहने वाला है और आगामी मैच भी है, भारत पाकिस्तान का मैच भी होना है। तो वर्ल्ड कप जो चल रहा है, कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए अभी का ये वक्त है कि वो एक के बाद एक ऐसा मैच देख रहे हैं कि एक रोमांच जो है वो बढ़ता ही बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल तो फाइनल मैच तक ये रोमांच हमेशा रहेगा ही, और क्रिकेट के महाकुंभ में हम क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपको दे रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार।